सब्सक्राइब कीजिए टिकटॉक्स चैनल को, हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं असीब रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टिकटॉक। हम आज आज अपने एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, रेन यानी बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम सब इसके मुंतज़र रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी आर्टिफिशियल रेन के बारे में सुना है? अगर सुना है तो क्या आप ये जानते हैं कि आर्टिफिशियल रेन यानी मस्नूई बारिश कैसे बरसाई जाती है, साइंस ने इसे कैसे ईजाद किया और ये कैसे वर्क करती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कुदरती बारिश कैसे बरसती है। जब सूरज की तपिश की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी हीट होता है तो वो एवेपोरेट होकर बखारात की शक्ल अख्तियार कर लेता है और वह बखारात हवा में शामिल हो जाते हैं। जब ठंडी हवा चलती है तो ये अपने साथ कुछ गर्द और दूसरे ज़र्रात को भी शामिल कर लेती है जो बाद में ऊपर जाके बादलों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। दोस्तों, बादल दर हकीकत आबी वखारात का ही मजमुआ होते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि बादलों में मौजूद इंतहाई छोटे छोटे आबी वखारात हवा के प्रेशर के बाइस आपस में मिलने लगते हैं और बड़े कतरों की सूरत इख्तियार करने लगते हैं। और जब ये भारी हो जाते हैं तो हवा में नहीं ठहर सकते और पानी बन के ज़मीन पर गिरने लग जाते हैं। और ज़मीन पर गिरने वाला बारिश का हर कतरा हज़ारों छोटे छोटे बखारात से मिलकर बनता है। क्योंकि आज हमें बारिशों की कमी का सामना है तो इंसान ने इस मसले से निपटने के लिए भी आर्टिफिशियल रेन सिस्टम तक बना लिया है जिससे ज़रूरत पड़ने पर बारिश बरसाई जाती है। अब बात करते हैं कि यह सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो मस्नूई बारिश बरसाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका ड्राई आइस या सिल्वर आयोडाइड मेथड है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, अगर टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस होता है तो जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हवाई जहाज, मिसाइल या एयरक्राफ्ट के ज़रिए बादलों में छिड़का जाता है तो उनका टेम्परेचर तेज़ी से कम होने लगता है। लिहाजा इस तरह बादलों में मौजूद बखारात की आबी कशिश में इजाफा होता है और वो कतरों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिससे आखिरकार बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन यह बात वाजिया रहे कि मस्नूई बारिश हर किस्म के बादलों और हर मौसम में नहीं बरसाई जाती, बल्कि इसके लिए साजगार माहौल चाहिए होता है। इसमें हवा की नमी और स्पीड का भी ख्याल रखना पड़ता है। 1981 में पहली बार एक अमेरिकन इंजीनियर लुइस गैथमन ने आर्टिफिशियल रेन का तस्वर पेश किया। इसके बाद इस पर तेज़ी से तहकीक होने लगी और काफ़ी साल की तहकीक के बाद 14 जुलाई 1946 को पहली बार जनरल इलेक्ट्रिक रिसर्च लैब न्यूयॉर्क में इसका कामयाब तजर्बा किया गया। इस वक्त दुनिया के 50 से ज़्यादा ममालिक में आर्टिफिशियल रेन का तजर्बा किया जा चुका है। ये बात भी काबिल गौर है कि जिस चीज़ के फ़वाद हों साथ ही उसके नुकसान भी होते हैं, लिहाजा आर्टिफिशियल रेन के नुकसान भी हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाली सिल्वर आयोडाइड इंसानी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह है और इसके काफ़ी बड़े असरात मरतब होते हैं। कुदरती बारिश अल्लाह की बेशुमार नेमत है और बारिश की किल्लत की बड़ी वजह मौसमियात तब्दीलियाँ हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से पैदा हुई हैं। तो अगर हम इन पर काबू पा लें तो बारिशें दोबारा अपने मामूल पर आ जाएंगी और हमें आर्टिफिशियल रेन के नुकसान से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।